आज भाई इंडिया का मिड रेंज सेगमेंट में बेस्ट स्पोर्ट बाइक के बारे में बात करने वाला है। इस वीडियो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ, हमेशा सीखता ही रहता हूँ, तो गाली मत देना, ठीक है? गाली मत देना मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, ये मजाक था। तो नंबर 5 से हमने शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे हमने रखा है बजाज पल्सर RS 200, जो 200cc इंजन के साथ आते हैं, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आते हैं। मैक्सिमम पावर की अगर बात करें 24.1 bhp, 9750 rpm पे निकलता है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करें 18.7 Nm, 8000 rpm पे निकलता है। डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आते हैं, जो मेरे को बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है। ऑल LED एंड डिजिटल सेटअप के साथ आते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें, टेलीस्कोपिक है, जो मतलब ऑफ रोडिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देता है। और रेयर की अगर बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आते हैं। और अंत में अगर माइलेज की अगर बात करें, तो भाई इतना अच्छा बाइक खरीद रहे हो भाई, माइलेज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? ज्यादा मत सोचो, तो वही घिसा पीटा माइलेज ही देगा, 32 इतना ही माइलेज देगा। हाँ, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, अगर फर्स्ट सर्विसिंग के पहले आप ये चाहते हो, ये नहीं सुन के आप खरीद लो और मेरे को ये आके कमेंट में गाली दो, ये नहीं चलेगा भाई। तो इतना ही इसका माइलेज देता है। और अंत में प्राइस की अगर बात करें, ये ऑलमोस्ट इसका बेस वाला वेरिएंट 218,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये शोरूम के ऊपर डिपेंड करके प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो आप लोग शोरूम में जाके पहले बात करो, उसके बाद भाई कमेंट करो, पहले शोरूम में जाके बात करना चाहिए। तो नंबर 4 पे हमने रखा है यामा MT-15 वर्सन 2, जो अभी सभी का दिलों में राज करता है। 155cc लिक्विड कूल्ड 4-stroke इंजन के साथ ये आता है। मैक्सिमम पावर की अगर बात करें 18.4 PS, 10,000 rpm पे निकलता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करें 14.1 Nm, 7500 rpm पे निकलता है। ये सिंगल चैनल ABS के साथ ही आता है, बट आपको बोथ साइड में डिस्क ऑप्शन मिलेगा। इसमें फीचर्स की अगर बात करें, ब्लूटूथ एंड ऑल डिजिटल एंड LED सेटअप के साथ आते हैं। एंड लास्ट पार्किंग लोकेशन इसमें देखने को मिलता है, USD फ्रॉग इसमें मिलता है। मतलब इसमें भर भर के फीचर्स है। जो लोग नेकेड टाइप का बाइक पसंद करते हैं, तो मेरा तो पर्सनली रिकमेंड रहेगा यही कि आप MT-15 ही लो, KTM की तरह मत जाके MT-15 ही लो। क्योंकि KTM भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा छपरी थोड़ा मतलब नाम ज़्यादा हो गया छपरी का लिस्ट में, तो मजाक का सब्जेक्ट है, सीरियसली मत लो भाई। इसका ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें, 2,00,000, 2,02,000, 2,05,000 etc. इसके आसपास ही आपको मिल जाएगा। ये भी शोरूम में जाके ही बात करना पड़ेगी। एंड नंबर 3 पे भी हमने रखा है यामा का ही है, जो है यामा R15S, जो एक टाइम सभी का दिलों में राज करता था। या हम R15 का वर्सन 3 आप कह सकते हो। अभी भी मतलब बहुत ही लोगों का पसंद का एक बाइक है। 155cc इंजन के साथ आते हैं। मैक्सिमम पावर भी बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम टॉर्क भी बहुत ही अच्छा है। ये बाइक स्पेशली डुअल चैनल ABS के साथ आता है। ऑल डिजिटल एंड LED सेटअप के साथ आता है। केवल इसका साइड का जो इंडिकेटर, अभी भी इसका न्यू वर्सन और ए वर्सन दोनों में अभी भी हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं। 6-speed गियर बॉक्स के साथ आते हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ आते हैं। एंड रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन के साथ आते हैं। और अंत में मतलब इसके बारे में हम क्या कहें, ये सभी को पता है। सिर्फ इसका प्राइस की अगर बात करें, 2 लाख के आसपास ये बाइक आपको मिल जाएगा। जिन लोगों का पुराना पसंद है, वो लोग तो जरूर ये खरीदे। एंड नंबर 2 पे हमने रखा है यामा R15 वर्सन 4, जो मतलब क्या कहूँ, अगले वाला बाइक यामा वर्सन 3 और वर्सन 4 में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। बाहर की लुकिंग से कुछ डिफरेंसेस है और थोड़ा फ्रेशली इंजन है उसके ऊपर ही डिफरेंसेस है, और लगभग इक्वल है। ये USD फ्रॉग के साथ आते हैं। ऑल डिजिटल एंड LED सेटअप के साथ आते हैं। इसका भी वो साइड का जो इंडिकेटर है वो हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं। और थोड़ा बहुत इसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाता है, यही जस्ट इसमें फ़र्क है। और यामा R15 तो लुकिंग वाइज किलर है, लेकिन ये थोड़ा अगर आप सिंगल राइड करें तो अच्छा है। अगर आप 2 पीपल बैठ के ये राइड करोगे, तो इसका पावर बहुत ही ज़्यादा घट जाता है।
ये कमियां बहुत सारा लोगों ने कहा तो इसलिए हम भी कह रहे हैं। एंड फाइनली नंबर वन पे हमने रखा है छपरी का मतलब बहुत सारा लोगों का पसंद जो है KTM 200 Duke, जो 200 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आते हैं। मैक्सिमम पावर की अगर बात करें, ये 200 cc का इंजन है तो 25 PS 10,000 RPM पे निकलता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करें 19.2 Nm 8,000 RPM पे निकलता है। डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं, ऑल LED एंड डिजिटल सेटअप के साथ आते हैं। जो लोग छपरी जो लोगों को नेकेड बाइक पसंद है, थोड़ा ज़्यादा सीसी का पसंद है, तो आप लोग MT-15 के जगह ये बाइक आप लोग ले सकते हो। अगर नेकेड नहीं पसंद है लेकिन KTM ही लेना है, मतलब छपरीगिरी मतलब ये करना है, मतलब ये बाइक चलाना है, मतलब दिल में थोड़ा मत लीजिएगा, तो आप लोग RC के साथ जा सकते हैं। और इसका ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें 2,30,000, मतलब 27, 28, 29 ETC के आसपास आपको मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस। मतलब एग्जैक्टली प्राइस अगर हम बताएंगे, ऐसा होता नहीं भाई, आप लोग भी समझ लीजिए, ऐसा होता नहीं कभी भी। तो शोरूम में जाके ये भी आपको बात करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर और कुछ स्कूटी बाइक के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप लोग हमारा चैनल पे विजिट कर सकते हो। हम लोग बहुत सारा टॉपिक के ऊपर, हीरो जूम स्कूटी के ऊपर और अंडर 1 लाख, अंडर 2 लाख के ऊपर बाइक के ऊपर हम भी बात करे हैं, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। अगर पसंद हो, अच्छा लगे हो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।